सबसे पहले तो मैं राजेश जी और अपने घनश्याम जी उनको बधाइयां देता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ख़ास करके आज तो गवर्नर साहब आने वाले हैं और मुझे भी अवार्ड्स मिलेंगे, अचीवर अवार्ड्स। तो मैं नाना नानी फाउंडेशन, राजेश श्रीवास्तव जी, घनश्याम जी और पूरे टीम को मैं बधाई के साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेल आई थिंक दैट इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ड्रीम टू बी हियर एंड देन टू रिसीव एन अचीवर्स अवार्ड। यू नो वेरी फ्यू पीपल आर सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ सिनेमा and then to excel and to get the award, so obviously the name justifies being here. It is a dream achievers award for sure, and I think it's really celebrating people you know, who have done and contributed in so many different ways to our lovely film industry, and you know, I'm really happy to be here. It's a proud moment for us all. चाहे वो कितना ही बड़ा अवार्ड हो या कुछ और ड्रीम अचीवर अवार्ड, इसमें जो जितने भी हैं तो मतलब सारे जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सब हैं। मुझे मौका मिला है कि मैं, हालांकि मुझे लगता है कि सबसे कम अचीव मैंने किया है जितने सारे हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये है कि ये इस तरह के अवार्ड होते हैं तो जो एक करने की आपकी उत्साह होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कुछ आप करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए या किसी फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो ऐसे अवार्ड ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि इंसान और दोगुने उत्साह से काम करे, ज़्यादा काम करे। थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि कोई भी अवार्ड शो जब भी होता है तो आर्टिस्ट को एक एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी काम किया है उसको नवाजा जाएगा तो कैसे जाएगा। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उसको प्यार करे, और अल्टीमेटली वो प्यार दुगना हो जाता है जब उस काम की सराहना भी होती है। सो मुझे लगता है ड्रीम अचीवर्स अवार्ड नाम ही बताता है कि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि उसको लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ अवार्ड ज़रूर मिले उसके काम के लिए, और जिसकी वजह से मतलब वो काम में एक्टिव रहा है उससे पहचान उसकी बने। सो नो डाउट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020 आई हैव बीन इन्वाइटेड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई फील रियली ऑनर्ड बींग हियर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत अवार्ड फंक्शन था ये। मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ हैं और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहें। ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। फॉर दी अचीवर्स को बुला बुला के उन्होंने सबको ऑनर किया है। दिस अ ग्रेट फीलिंग। दे आर द पीपल हु हैव रियली अचीव्ड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।